हम जानते हैं। इस वक्त तुम जिस दौर से गुजर रही हो, तुम्हारे लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल। लेकिन बेटा, अपनी आखिरी जीत के लिए तुम्हें ये मुश्किल घड़ी का सामना करना ही पड़ेगा। कैसे कि अब यही एक रास्ता बचा जिज्जी और जीजा को जेल से बाहर निकालने के लिए तुम्हें मालिनी यादव का रूप बनना ही पड़ेगा बेटा। कैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का ही रीत है इस दुनिया में। हमें अपने परिवार वालों से मिलना है, हमें उन्हें सब कुछ बताना होगा। हम इतना बड़ा काम उनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा ठीक है, यादव फैमिली तुम्हारा डाला हुआ दाना चुग रही है। हाँ, और अब जाल खींचने का समय आ गया, खींच लो। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रिंस हमारी राजकुमारी की ताजली पर लट्टू हो गया है और तुम्हारे ही नाम की माला फेर रहा है। नहीं मामी, हमसे ये सब सहन नहीं होगा। भावुक ना बनो बेटा, कैसे कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब इस जहर को अमृत समझ के पीना पड़ेगा। हौसला रखो बेटा, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, कितना लड़ाई अभी बाकी है। अगर अपने साले साहेब का ब्याह राजकुमारी साहिबा के साथ हो जाए तो, अरे माँ होकर आप अपने बेटे का शादी कराना चाहती है ना, यही खातिर बीमार पड़ी है ना, तो वो शादी राजकुमारी जी के साथ भी हो सकती है। क्या कहती है? जरा सोची, इतना पैसा वाली नाच नखरा वाली भवरिया मिल जाए तो हमारी इज्जत तो चमकेगी ना। अरे कुछ तो उद्घार व्यक्त कीजिए अपनी मुखार बिंदु से हमारी विचार के बारे में। एक बात बताएं आपको, हमने बहुत विचार किया है और बहुत विचार करने के बाद हम ये डिसीजन पर पहुंचे हैं कि सबसे पहले तो ही बंगले का सेल करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली जाके माय लवली डॉटर काम्या का ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रिंसु की शादी करेंगे। वहीं दिल्ली में कहीं जुगाड़ कर देंगे हम, हाँ, पर यहाँ नहीं करेंगे। और ये राजकुमारी गीतांजलि मैडम के साथ तो हम अपनी प्रिंसु की शादी कभी सोच ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। हे भगवान, ये सब तो उल्टा ही हुआ जा रहा है। गीता का धर्म युद्ध तो प्रिंस के साथ शादी के बाद ही पूरा होगा। अगर ये शादी नहीं हो पाया तो चीचा जेल से कैसे छूटेंगे, और मालिनी यादव के खिलाफ कैसे पूरा होगा ये गीता का धर्म युद्ध। मामी, मुझे तो लगता है भगवान को भी ये शादी ना मंजूर है, इसीलिए तो वैसे खेल तमाशे कर रहे हैं। और हम भी तो प्रिंस से शादी नहीं करना चाहते ना। हमने सुना है अगर आपके मन के किसी भी कोने में एक पल के लिए भी ये बात चल रही हो कि ये काम ना हो तो काम कभी नहीं होता। पागल ना बनो गीता, बेटा तुम्हारा परिवार फिर मुक्ति कैसे पाएगा है? अरे देखो, अगर एक बार मालिनी यादव यहाँ से चली गई तो फिर हम लोग केस कैसे वापस लेंगे? सब कुछ जानते बुझते तुम ऐसा बात कर रही हो। हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, बहुत परीक्षा ले चुके हैं वो हमारी, अब हमें हमारी तपस्या का फल जरूर मिलेगा, वही हमें कोई रास्ता दिखाएगा। हम कैसे एक ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसने हमारे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया, वो भी ऐसे कि हमें सपने देखने से नफरत हो गई, और उसके ऊपर से उसकी माँ और बहन ने हमारे परिवार वालों को जेल में डाल दिया। कैसे जोड़ ले रिश्ता हमें एक ऐसे परिवार के साथ, कैसे बन जाए मालिनी यादव की बहू। हाँ, और जहां तक मालिनी यादव का पट्टा को छोड़ने का सवाल है, हम आपसे वादा करते हैं कि मालिनी यादव तब तक पटना नहीं छोड़ेगी जब तक हमारे परिवार वाले जेल से नहीं छूट जाते। उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी।